हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल द रिशाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। और अभी चल रहे हैं शरद, तो जल्दी ही आने वाले हैं नवरात्रे और माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। तो 3 तारीख से आने वाले हैं नवरात्रे, तो उसके बाद आएगा दशहरा और दशहरा के बाद आएगा करवा चौथ। तो 20 अक्टूबर का है करवा चौथ, तो अभी सारे त्यौहार मनाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज अभी मेरे पास एक सूट आया हुआ था, तो चलिए उसी के रिगार्डिंग आज मैं आपको थोड़ा सा मेकअप भी दिखाती हूँ और कुछ ज्वेलरी भी है। तो छोटा सा व्लॉग रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए और कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि लाइक और शेयर आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है और आपके एक लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए न्यू वीडियो लेके आने के लिए। तो ये मेरे पास आया था सूट, काफ़ी सुंदर सा सूट है, प्रिटी प्रिटी पार्टी वेयर सूट है। ऑरेंज और पिंक का इसमें ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन है और यह मैंने वियर किया है, इसके अकॉर्डिंग मैंने चूड़ा वियर किया है। आप इसमें कुछ ऑरेंज भी मिक्स कर सकते हैं अपने बैंगल्स में। और आज की मेरी ज्वेलरी रहेगी ब्यूटीफुल सी, ये देखिए ईयरिंग्स हैं और ये आप इसमें ये पीछे से हमारे हेयर पर इस तरीके से टक करने वाली ज्वेलरी है, जिस तरीके से आपके ईयरिंग्स भी हो जाएंगे और हमारा हेयर का भी अच्छा सा एक स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। तो बेस वगैरह मैंने सब पहले रेडी अभी कर लिया है, तो ये सारी वीडियोस तो मैंने ढेर सारी डाल ही रखी हैं। तो यहाँ बस अभी मेरा बेस हो गया है रेडी, तो हल्का सा आजकल मैंने आपको वीडियोज़ में दिखाया कि कैसे आप कॉन्टोर कर सकते हैं अपने फेस को, अपने चीक एरिया को, चिन एरिया को, फोरहेड को, नोज़ को, और अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और मैं कभी नहीं करती कंटूर वगैरह, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग कैसे अपने फेस को, जिनका फैटी फेस होता है उसको कैसे थिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ब्रश से किसी भी डार्क शेड से आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके फेस में एक स्लिमनेस आ जाएगी, आपका जो फैटी एरिया है वो थोड़ा सा कम दिखाई देगा। तो यहाँ ऑरेंज और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ मैंने पिंक ब्लशर लगाया है। और इसके बाद अभी मैंने आईज़ वगैरह अभी मैंने नहीं की है, वैसे पहले अगर आप चाहें तो आई शेडो वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लगा लूँगी अपनी फेवरेट लिप बाम, और ये न्यू लिप बाम है, काफ़ी प्रिटी प्रिटी है। और ये लगाने के बाद है ना, ऐसा लगता है कि जैसे हमने लिप बाम नहीं लगाई और लिपस्टिक ही लगा ली है। तो काफ़ी अच्छा सा इसका कलर है और काफ़ी सारा इसमें मॉइस्चराइज़र है। और ये मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट बन गई है, ये वाली छुट्टू सी मेरी क्यूट सी पैलेट आई शेडो। और इसमें ना सारे कलर्स हैं, ये सारे शिमरी में हैं, तो ये हाइलाइटर का भी यूज़ करेंगे और हमारे आई शेडो का भी यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी आईज़ पर कुछ भी नहीं लगाया है, और सिंपल सी आप एक पैलेट से आप अपना हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं और आई शेडो भी, जिनको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता, जो बिगनर्स हैं, तो हल्का सा बस ये हाइलाइटिंग अपने आई एरिया पर लगाएं। और जैसे कि अभी वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो जाएंगे और फेस्टिवल्स पर भी आप इस तरीके से अपना मेकअप कर सकते हैं। तो हल्का सा मैंने पिंक का कॉम्बिनेशन किया है, क्योंकि मैंने बेस इसमें कुछ भी नहीं लगाया और बस बिल्कुल सिंपल सा मेकअप है, जो आप घर बैठे इजीली आप कर सकते हैं, करवा चौथ पर भी आप कर सकते हैं, फेस्टिवल पर भी आप कर सकते हैं, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मेरा आई मेकअप हो गया है 1 मिनट के अंदर तैयार। और ये है मेरे पास मस्कारा, और मस्कारा भाई मुझे कभी नहीं लगता, लाइनर भी और मस्कारा, ये दो चीज़ें हैं ना, मेरे हाथ काँपते हैं और मस्कारा तो कई बार है ना मेरी आँख में भी लग जाता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ मस्कारा लगाना। तो ये है मेरा न्यू काजल, और बताना आपको कैसा लगा, काफ़ी ब्यूटीफुल सा काजल, और इसके ना ढेर सारे रिव्यू आए हुए हैं, तो मुझे लगा कि चलिए मैं भी इसको यूज़ करती हूँ और देखती हूँ कि ये जेट ब्लैक है या नहीं है। तो सीरियसली ये वाला जो काजल है ना, अगर आपने एक बार लगा लिया तो आप कोई दूसरा काजल नहीं लगाने वाले, तो बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक कलर है और अच्छे से स्मज हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको ना लाइनर के लिए उसमें भी यूज़ कर लिया है अपने आईलैशेस के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि कितना ब्लैक कलर है, हल्का सा मैं इसको नीचे कर लूँगी स्मज। तो ये वाटरप्रूफ है, स्मज भी अच्छे से हो रहा है,
और आप इसको लाइनर की तरह भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको इजीली एक मिनट में मैंने इसको लाइनर के लिए मैंने इसका यूज़ कर लिया है। और अभी थोड़ा सा लगा लेंगे मस्कारा, तो क्योंकि मस्कारे के बिना हमारी आँखें ना थोड़ी सी लगेंगी अधूरी। अब यहाँ मेरा देखिए मस्कारा लग गया है मेरे आई के नीचे भी और ऊपर भी। तो अब कई बार हमारा मेकअप पूरा होने के बाद मस्कारा वगैरह कोई भी काजल वगैरह लग जाता है, तो उसको हटाने के लिए आप क्या करें, एक ईयरबड ले और ईयरबड में थोड़ा सा लगा लें हल्का सा, कोई भी मॉइस्चराइजर कुछ भी हल्का सा लगाएं और उस एरिया पर हल्का सा उसको रब करें, तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा। इससे हमारा मेकअप भी ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद हल्का सा फेस पाउडर हल्का सा फाउंडेशन आप उस जगह पर लगा लें ताकि थोड़ा सा ख़राब ना लगे। तो बात यह लिपस्टिक की बारी, और लिपस्टिक मेरे पास इससे रिलेटेड ढेर सारी हैं, तो ये मैंने दो निकाली हैं, एक है बिल्कुल बैंगनी कलर की और एक है पर्पल की। तो चलिए आज इसी का ही हम यूज़ करते हैं। ये वाली लिपस्टिक तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, और लेकिन मैंने यूज़ बहुत कम की है, तो ये देखिए काफ़ी, और ये लिप लॉस है और लॉन्ग टाइम स्टे भी रहता है। और ये ना मतलब इस लिप लॉस को लगाने के बाद है ना ऐसा लगता है कि जैसे लिपस्टिक हमने लगाई नहीं है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र भी रहता है हमारे लिप्स पर और हमारे लिपस्टिक में क्रैक्स भी नहीं आते, और हल्का सा ग्लोसी है तो काफ़ी अच्छा लगता है, ज़्यादा ग्लोसी नहीं है, हल्का सा ग्लोसी मॉइस्चराइज़र इसमें रहता है और ईजिली लग जाता है। और जो इसकी ब्रश है ना लगाने वाली, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इन कलर्स की जो ब्रशेज आती है ना वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो ये वाला मेरा लिप लॉस है लैक्मे का, और काफ़ी अच्छा है। अगर आपको पसंद आए तो बताना, मैं आपको इसका कोड शेयर कर दूंगी कमेंट में, अगर किसी को लिंक चाहिए हो तो। और ये आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी ले सकते हैं, मैंने इसको ऑफलाइन परचेज़ किया था, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप अपना इस तरीके से कभी भी ज्वेलरी के साथ भी, कई बार हमारा मेकअप इतना अच्छा हो जाता है आप उसके साथ मैच कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरी ज्वेलरी में आया था मांग टीका, तो चलिए आज मांग टीका भी लगा लेते हैं। तो ये ज्वेलरी के साथ ही था, मेरे ईयरिंग्स के साथ ही। तो यहाँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, पीछे से मैंने बताया था कि आप अपने हेयर को पीछे से कुछ बालों को उठाएं और उसके बाद बैक कॉम करें, पीछे से पिनअप करें और यहाँ इस को पीछे टक कर दें और फिर क्रॉस करके वहाँ पर पिन लगा लीजिए, तो आपका मांग टेक अच्छे से लग जाएगा। तो क्योंकि अभी मुझे हेयर कॉम बैक कॉम वगैरह भी बालों में नहीं करना है, तो इसीलिए अभी मैं नहीं करी, तो इसलिए मैंने अभी इसको रफली टक कर लिया है। और आप इसको एज इट इज़ भी कर सकते हैं, आगे से पफ वगैरह भी आप इसको बैक कॉम करके बना सकते हैं, लेकिन वो मुझे भी थोड़ा सा कम पसंद आएगा और अभी बैक कॉम मुझे करनी नहीं है, और इसीलिए फिर अभी मैं इसको नहीं करूँगी। तो मैं इसको ओपन ही रखूँगी हेयर को, क्योंकि मुझे ना अभी हेयर, अभी मैंने हेयर ट्रीटमेंट लिया था तो हेयर को मुझे अभी बांधना नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए मुझे भी हेयर को खुला ही रखना है। तो बस अभी इतना ही हेयर का मैं करूँगी। और इस आप चाहें तो इसकी मांग टीके की जो लुक आती है ना वो अच्छे से इस तरीके से आप साइड में भी कर सकते हैं, तभी भी इसकी एक अच्छी सी लुक आएगी। तो ये है इसका सुंदर सा दुपट्टा और ईयरिंग्स जो मैंने डाले हैं। अगर आप इसमें अपना जोड़ा बनाएंगे ना तो वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अभी ओपन हेयर स्टाइल ही मैंने किया है और ये है मेरे सूट की पूरी लुक। तो बताना कैसा लगा आपको मेरा सूट। तो ये वाली जो पीछे किसकी चेन है ना, आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, तब भी अच्छी लगेगी। तो इसमें ये नीचे की तरफ लटकेगी, ये भी अच्छी लग रही है। अगर आप चाहें तो इस ईयरिंग्स को आप दूसरा भी स्टाइलिश में आप कर सकते हैं, तो इस ईयरिंग को आप अपने कान के पीछे से भी ले सकते हैं। और तीसरा स्टाइलिश ईयरिंग्स का है कि आप इसको इस तरीके से आप हेयर में भी टक कर सकते हैं, तो काफ़ी एक अच्छा ब्यूटीफुल साइज़ का लुक आएगा। और इसका लुक है ना काफ़ी अच्छा आएगा जब आप इसको अपना बन बनाएंगे, तो मुझे भी हेयर नहीं बांधने, नहीं तो मैं बन बना के आपको दिखाती, आप अपना बन बनाएं पीछे। और इस तरीके से इसकी चेन काफ़ी लंबी है और बन तक इसकी चेन चली जाएगी वहाँ तक पीछे की तरफ इसको करके, और आप इसको पिनअप कर सकते हैं। तो अभी ये बार बार मेरे भी हेयर काफ़ी सिल्की हुए हैं तो ये भी निकल रहा है, तो मैंने अभी इसको पहले लगाने की मैंने कोशिश की। और ओपन हेयर में ना ये थोड़े से टिकेंगे भी नहीं, तो ऐसे नहीं टिकेंगे क्योंकि ये काफ़ी लूज़ होते हैं, इसका जो टक करने वाला होता है। तो अभी फिर मैंने यहाँ से ली है मैंने पिन, तो आप क्या करें अगर आप ओपन हेयर में लगा रहे हैं तो इसको आप पिन के अंदर डालें जो इसका बंद करने वाला है, और पिन के अंदर डालने के बाद उसको आप बालों में लगाएं और फिर उसके ऊपर से आप क्रॉस पिन लगा दें, तो इसे ये अच्छे से स्टे करेगा, चेन निकलेगी नहीं। तो
बस अभी यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप कैसे इसको अपने हेयर में आप इसको टक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको टक कर लिया अपने हेयर में, तो अपने हेयर में भी अच्छे लग रहे, लेकिन बन के साथ इसका काफ़ी एक अच्छा सा लुक आने वाला है।